पावर और स्पीड, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसने ह्यूमैनिटी को बरसों से आकर्षित किया है। दोस्तों, इंसान बहुत सालों से ऐसी चीजें बनाता जा रहा है जिससे उसकी रफ्तार और तेज हो सके। उसको ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी चाहिए। इसी रेस में दोस्तों, डीआरडीओ ने बना दिया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, जिसकी रफ्तार होगी 100 किलोमीटर प्रति मिनट। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मैक 6.0 स्पीड जो डीआरडीओ ने अचीव करी है बाय वे ऑफ इस न्यू एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए एंड इट्स अ न्यूज टू बी प्राउड ऑफ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आई वेलकम यू ऑल टू नॉलेज मीडिया एंड लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये डीआरडीओ ने बनाया है और ये एक एयरक्राफ्ट है। इसको कोई सैटेलाइट या मिसाइल मत समझिएगा, ये एक एयरक्राफ्ट है एंड वो भी एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। इसका साइज आपने फोटो में देख ही लिया है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई बड़ा होने वाला है जिसके अंदर कोई इंसान बैठेगा, जी नहीं, अनमैन्ड है, रोबोटिक है। एंड मोर ओवर, ये चल रहा है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे, जो आज तक मैनकाइंड अचीव कर पा है उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी पे चलने वाला है एट द स्पीड ऑफ मैक 6.0, जो आप समझ सकते हैं इट्स गोना बी हाइपरसोनिक एज द नेम सजेस्ट। मैक 6.0 का मतलब है कि अगर जो साउंड की रफ्तार है जो लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1100 पर आर मल्टीप्लाइड बाय 6, इस स्पीड से ये अराउंड अराउंड 6600 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये एयरक्राफ्ट चलने वाला है। सो दोस्तों, ये मन में आपके एक सवाल आ रहा होगा कि डीआरडीओ ने बनाया, सबसे पहले तो ये एक कंफ्यूजन मैं इतनी बार कह रहा हूं, ये ना रहे कि इसको इसरो ने बनाया है। जी नहीं, इसको डीआरडीओ ने बनाया है, फोटो में इस पर नाम भी लिखा है। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिर इसको डीआरडीओ ने बनाया क्यों है, क्या यूज है इसका। तो इसको हम कहते हैं डुअल यूज मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब ये सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री यूज के लिए यूज हो सकता है। मतलब कि इसका ये हुआ कि सिविलियन पर्पसेस, यानी अगर मैं कहूँ लो कॉस्ट सैटेलाइट्स, ये उसको प्लेस कर सकता है, या मैं कहूँ मिलिट्री यूज जिसमें लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स का ये काम कर सकता है। दोस्तों, इन कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें छुपी हैं। सबसे पहली बात इसमें लिखी है लो कॉस्ट सैटेलाइट। दोस्तों, ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, यानी कि 6600 किलोमीटर पर आवर, विच इज अनइमेजिनेबल। इस स्पीड से अगर हम इसको ऊपर लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये एक एयरक्राफ्ट है, आप क्लियरली समझिए ये एक एयरक्राफ्ट है। सो एयरक्राफ्ट है, जैसे इसमें कोई पैसेंजर बैठ के जा सकता है, वैसे इसमें कोई सैटेलाइट बैठ के भी जा सकती है। सो इस स्पीड से ये ऊपर जाएगा आउटर एटमोसफेयर, थर्मोस्फेयर में, एंड वहां जाके ये लॉन्च हो जाएगा। एंड मोर ओवर, मैं बात करूं लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स की, तो दोस्तों ये लॉन्ग रेंज रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइपरसोनिक है, सेकंड ऑफ ऑल ये स्क्रैमजेट है। तो ये टेक्नोलॉजी इज परफेक्ट फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। सेकेंडली, ये क्रूज मिसाइल रहेगी, बैलिस्टिक मिसाइल की इसकी टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो ग्राउंड से लॉन्च करते हैं इन दिस वे एंड बाय वे ऑफ ग्रेविटी वो नीचे गिरती है, बट जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो डायरेक्ट अपना एक लॉन्ग रास्ता कवर कर पाती है। ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीआरडीओ ने आखिर ये टेस्ट कर लिया है अपने इसको, तो ये अभी कोई रीसेंट डेवलपमेंट थी या ये बहुत टाइम से इसके बारे में बात चल रही थी। तो दोस्तों, 2004 से डीआरडीओ अपने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और इंजन डिजाइन इसका कंप्लीट 2004 में, आज से 15 साल पहले डीआरडीओ ने अचीव कर लिया था। और 2008 में इसका हिंट डॉक्टर वी के सरस्वत, जो बहुत एक फेमस हैं, उन्होंने इसका एक हिंट दिया था
कि डीआरडीओ कुछ एक ऐसा हाइपरसोनिक चीज करता जा रहा है और बहुत जल्द हमारे सामने वो चीज आएगी। जून 2017 में स्टैटिक टेस्ट इसके कंप्लीट हो गए थे और अब 2019 में डीआरडीओ ने कंप्लीट इसकी टेस्ट ले लिया है और ये बिल्कुल तैयार है सर्विस में आने के लिए। दोस्तों कुछ एक स्क्रैमजेट की बात हो रही थी। स्क्रैमजेट समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर टाइप ऑफ जेट इंजन्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी जेट होता है या कोई भी टरबाइन होता है, मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, वो टरबाइंस की वजह से चलता है और उस टरबाइन को जो प्रोपेल करता है, उसमें जो प्रोपेलर लगा होता है, उस प्रोपेलर को हम कहते हैं जेट इंजन। देखिए दोस्तों, जो भी कोई एयरक्राफ्ट होता है वो टेक ऑफ तो कर जाता है विद जो भी उसकी स्पीड होती है, लेकिन उसको हवा में मेंटेन होने के लिए ये जेट इंजन्स काम आते हैं। बिकॉज जैसे ही हवा इनके अंदर जाती है, जैसे प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हवा ऐसे आएगी, ये टर्बाइन्स उस हवा को मूव करते हैं, अंदर से ऑक्सीडाइजर बर्न करते हैं एंड यहां से उसको पीछे फेंकते हैं, जिससे प्लेन को आगे थ्रस्ट मिलता है। दिस इज द सोल रीजन कि प्लेन नीचे नहीं गिर जाता एक बार हवा में जाने के बाद, वो एक डायरेक्शन में चलता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंजन्स। ये अंदर आने वाली हवा को कंप्रेस करते हैं, उसको पीछे धक्का देते हैं, जिस वजह से प्लेन आगे जाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। सो दोस्तों, अलग अलग तरह के इंजन्स बनते रहे हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती रही। बहुत इनिशियल टाइप के अगर मैं आपसे इंजन्स बात करूं, बड़े वाले इंजन्स, वो बाहर की हवा को इनटेक नहीं करते थे, वो अंदर ही सारा अपना ऑक्सीजन और सारा अपना फ्यूल लेके चलते थे और उसे बर्न करके बाहर की बाहर फेंकते रहते थे कि अगर ये हमारा टर्बाइन इंजन है तो इसमें अंदर की तरफ से वो ऑक्सीजन भी लेके चल रहा है, यानी कि एक ऑक्सीडाइजर, और एक फ्यूल भी लेके चल रहा है, वो इसी को बर्न करता रहता है और पीछे फेंकता रहता है थ्रस्ट को। लेकिन अब जो नए इंजन आ रहे हैं, इनको कहते हैं हम एयर कंज्यूमिंग इंजन। एटमॉस्फेरिक एयर को ये लोग कंज्यूम करते हैं, इन द सेंस कि ये चल रहा है हमारा एक टर्बाइन, यहाँ की जो हवा आएगी ये इसको कंज्यूम करेगा, इसी को वो अंदर बर्न करेगा। मतलब ये कि आप देख लीजिए, कोई भी एक्सप्लोजिव हो, ये बेसिक्स ऑफ एक्सप्लोजन डायनामिक्स कहते हैं इसको, कि किसी भी चीज को अगर बर्न करना है तो दो चीजें चाहिए हमें। सबसे पहले हमें चाहिए एक फ्यूल, दूसरा हमें चाहिए एक ऑक्सीडाइजर। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती, इवन जो आपके फायर फाइटिंग इनफ्लेमेशन वाले आपके सिलेंडर्स भी होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फिल्ड ही होते हैं एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेंकते हैं आपकी आपकी फायर के ऊपर, जिससे वो फायर रुक जाती है। सो ऑक्सीडाइजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ फायर एंड एनी काइंड ऑफ बर्निंग। ऑक्सीडाइजर मीन्स ऑक्सीजन। एंड ये जो होता है फ्यूल, ये फ्यूल क्या होता है, देखिए कभी अगर आपने आग लगाई होगी तो आप समझते होंगे, या कोई एक मान लीजिए एक लाइटर ही ले लीजिए, लाइटर है अगर मान लीजिए, लाइटर को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो उसमें से आग जल जाती है। कैसे? वो इसलिए होता है कि बिकॉज वो यहां पे एक लिक्विड लेके चल रहा है, उस लिक्विड को सिर्फ और सिर्फ फ्यूल ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। और जैसे ही आप वो बटन नीचे दबाते हैं, इस थोड़ा सा फ्यूल ऊपर आता है और यहाँ पे एक गैस रिलीज होती है बहुत स्पीड से। जैसे ही वो गैस इस लिक्विड को हिट करती है, वो फायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये ही एक कंसेप्ट है फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर का। और एक इसमें गैस लाइटर में एक कंसेप्ट और आता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं होगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सो दोस्तों, अब हम बात करें टाइप ऑफ सम मॉडर्न जेट इंजन्स। सो टाइप ऑफ मॉडर्न जेट इंजन्स में आते हैं आपके पल्स जेट इंजन, रैमजेट इंजन और सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, जिसे हम प्यार से कहते हैं स्क्रैमजेट। जी हाँ, स्क्रैमजेट की फुल फॉर्म होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सुपरसोनिक कंबशन
रामजेट। इन तीनों जेट्स में एक चीज कॉमन होती है कि ये एक इनलेट होता है इनमें, एक इनमें कंबशन चेम्बर होता है और एक नोजल होता है। ये तीन स्टेशनरी मॉड्यूल्स, मतलब इनका ढांचा तीन हिस्सों में होता है, इनलेट, कंबशन चेम्बर एंड नोजल। ये चाहे पल्स जेट हो, चाहे रैम जेट हो, चाहे स्क्रैम जेट हो, ये तीनों चीजों में कॉमन होता है। तो जो पल्स जेट है वो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी आज की डेट में हो चुकी है, जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज होती थी, बहुत ज्यादा फ्यूल लगता था। फिर उसके बाद आई रैमजेट टेक्नोलॉजी, जो सबसोनिक स्पीड, मेनली सबसोनिक स्पीड पे चलती रही। फिर उसके बाद आया हमारा स्क्रैमजेट। सो दोस्तों, स्क्रैमजेट एक ऐसी चीज है जो सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे चलता है एंड बहुत बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी इसमें होती है। सो दोस्तों, अगर आप समझना चाहें इनके बीच के डिटेल्ड टेक्निकलिटीज को, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये चीज समझ सकते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बात समझा दूं रैमजेट वर्सेस स्क्रैमजेट की, तो आप ये देखिए कि जो रैमजेट होता है उसका अंदर का हिस्सा थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होता है। ब्रॉड की वजह से जितनी वो एयर इनटेक करता है उसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा ही वो आउटपुट में बाहर भेज देता है, यानी कि मोर और लेस चीज सेम ही रहती है। लेकिन जो स्क्रैमजेट होता है वो जितनी उसको अपनी इनटेक करता है उससे कई ज्यादा थ्रस्ट में वो पीछे फेंकता है, जिससे इसको एक सुपरसोनिक मोड मिलता है। मोर ओवर, जो रैमजेट होता है उसके अंदर का पार्ट छोटा होता है, वाइल स्क्रैमजेट का पार्ट बड़ा होता है। इसका रीजन ये होता है कि इससे एयर ज्यादा कंप्रेस होती है। देखिए दोस्तों, दोनों के दोनों आखिर कंसेप्ट सेम ही है कि हम बाहर की हवा को अंदर लेंगे और उसे बाहर फेंकेंगे, लेकिन कौन कितना ज्यादा उसे कंप्रेस करेगा उसमें फर्क होता है। इन अ सेंस कि जो अंदर की हवा आ रही है मैं उसको ज्यादा कंप्रेस करूंगा, मतलब बहुत ज्यादा उसको टाइट करूंगा, और जितनी ज्यादा ज्यादा वो टाइट हो जाएगी और फिर मैं उसको हल्का सा भी बर्न करूंगा तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा। आप ये भी समझ लीजिए कि इतना ज्यादा मैंने उसको कंप्रेस किया और एकदम से मैंने उसको बर्न किया, तो आप खुद सोचिए वो प्लाज्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कैसे एकदम से शूट करके बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे उसको इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं किया, थोड़ा कंप्रेस किया, तो इसीलिए मेरे को थोड़ी स्पीड ही मिलेगी। तो दिस इज द सोल रीजन ये जो हमारे स्क्रैमजेट्स होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड पे चल पाते हैं, लेकिन जो रैमजेट्स होते हैं वो मोर और लेस सबसोनिक स्पीड पे ही चलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि डीआरडीओ ने आखिर टेस्ट कर लिया है अपना एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, और वो एक एयरक्राफ्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, वो सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस के लिए, जैसे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कोई, या फिर मिसाइल, क्रूज मिसाइल पर्टिकुलरली, नॉट बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आई मुझे उम्मीद है पक्का आ सकता है कि ये आपको ऐसे दे देगा कि HSTDV इज सीन इन द न्यूज क्वाइट रिसेंटली, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस HSTDV। सबसे पहली स्टेटमेंट दे देगा इट कैन बी यूज एज अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें आपको दे देगा इट कैन बी यूज फॉर लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो आई एम श्योर अब आप लोगों ने वीडियो सुन लिया, आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं सुनी है उसको डेफिनेटली गलत करेंगे, क्योंकि इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हिट नहीं करेगा, ज्यादातर ये क्रूज मिसाइल्स को लेकर चलेगा। मुश्किल होती है सेल्फ स्टडी से पढ़ने में, और इस यूट्यूब की वीडियो को देखने में आई डोंट थिंक एनी कोई आपका मनी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और किसी चैनल को करें ना करें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है, कोई कोर्सेज या कंसेप्ट या कोई पेन ड्राइव कोर्सेज सेल नहीं किए जाते। मोरओवर दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये भी बात करी थी कि ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे चलता है, जो बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमने बात करी थी कि और अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, जैसे पल्स जेट इंजन होते हैं, रैमजेट इंजन होते हैं, और वैसे ही एक स्क्रैमजेट इंजन होता है। गाइस, कोई भी डाउट हो प्लीज पूछिएगा। मैंने आपसे कहा है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, डू गिव इट अ रीडिंग एंड प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स कि आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में क्या समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आई कंसिडर इट टू बी द वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब विच कैन हेल्प यू द मोस्ट। यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट बोलेगा अपने आप से। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हैव अ नाइस डे।